हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं वाक्य रचना और प्रकार की। वाक्य की रचना और वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, एंड ये आपके यूपी टेट, सी टेट और रीट में पूछा जाता है। इससे क्वेश्चन आता है, आपने देखा होगा कि वाक्य से बहुत क्वेश्चन आता है कि ये कौन सा वाक्य है, ऐसे सेंटेंस दे दिए जाते हैं हिंदी में। तो आज हम यही देखेंगे कि वाक्य की पहचान कैसे करते हैं, कि कौन सा वाक्य क्या होता है और वाक्य के प्रकार। सो लेट्स गेट स्टार्ट। आई थिंक आप सभी जानते होंगे कि वाक्य क्या होता है। तो वाक्य बेसिकली शब्दों का समूह होता है, सार्थक शब्दों का समूह होता है। तो शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। सार्थक समूह से क्या मतलब कि जिसका कोई मीनिंग हो, जिसका कोई अर्थ हो या कोई भाव निकले, हम ऐसे शब्दों को कहते हैं, ऐसे शब्दों के समूह को हम वाक्य कहते हैं या सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं पढ़ता हूँ, यहाँ पे जो वर्ड्स हैं इनके खुद के कुछ मीनिंग होते हैं, जैसे इनके अर्थ है। जैसे मैं का भी एक अर्थ है निकलता है, पढ़ता हूँ का भी एक अर्थ है, पढ़ना भी एक वर्ड है जिसका कोई अर्थ है, जिसका कोई मीनिंग निकलता है। तो ऐसे शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं, मतलब सार्थक समूह जिसका कोई अर्थ निकले। ठीक है, जैसे मैं खेलता हूँ, मैं खाना खाती हूँ, ऐसे मैं भोजन खाती हूँ, मैं खाना पकाती हूँ, ये सब आपके सार्थक ध्वनियाँ निकल रही हैं इनसे, तो ये आपके वाक्य हो जाते हैं। बात कर लेते हैं वाक्य के भेद क्या होते हैं, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसे कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको जानने की ज़रूरत है कि वाक्य के हम वाक्य के प्रकार को अगर हम बताते हैं तो हम तीन भागों में बांट के बताते हैं, मतलब तीन आधार मानते हैं। पहला, हम अर्थ के अनुसार मतलब मीनिंग के आधार पर हम वाक्य को हम प्रकार के मतलब वाक्य के प्रकार को बताते हैं। दूसरा, हम रचना के अनुसार, रचना के अनुसार अगर आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, स्ट्रक्चर के बेस्ड पे। ठीक है, एंड द लास्ट वन है आपका प्रयोग के अनुसार, प्रयोग के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट जो है आपका अर्थ के अनुसार या अर्थ के अनुसार जो मीनिंग के अनुसार जो होता है, इसके आठ भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? आठ भेद होते हैं, मतलब आठ प्रकार का होता है। पहला आपका विधिवाचक वाक्य, विधिवाचक वाक्य मतलब जिसमें कोई कथन दिया रहता है, सिंपल कथन होता है, साधारण कथन हम कह सकते हैं, जिसमें कोई स्टेटमेंट दिया जाता है या स्वीकार किया जाता है, कोई स्टेट कथन स्वीकार होता है जिसमें, जैसे मैं जाता हूँ, मैं पढ़ती हूँ, ये सब इसमें आते हैं। देन निषेधात्मक वाक्य से नाम से समझ आ रहा है, इसमें नकारात्मक शब्द आते हैं। देन प्रश्नवाचक प्रश्न आते हैं। देन विस्मयवादी, ये आपका विस्मयादि बोधक क्या होता है, जिसमें कोई आश्चर्य व्यक्त किया जाता है, जैसे आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं। देन संभाव्यवाची मतलब जिसमें संभावना व्यक्त की जाती है, ऐसे कथन या ऐसे वाक्य जिसमें संभावना व्यक्त की जाती है, मतलब पॉसिबिलिटी होती है। आज्ञा सूचक मतलब जिसमें आज्ञा दी जाती है। इच्छा सूचक मतलब जिसमें अपनी इच्छा बताई जाती है कि मैं चाहता हूँ, मैं चाहती हूँ। संकेतवाची मतलब संकेत का प्रयोग होता है, संकेत मतलब संकेत का बोध होता है कि अगर तुमने मुझे बुलाया होता तो मैं अवश्य आती, इस टाइप के। ठीक है, देन हम इसको डिटेल में स्टडी कर लेते हैं कि विधिवाचक वाक्य क्या होता है। तो जिस कथन में स्वीकारता हो उसे विधिवाचक कहते हैं। साधारण भाषा में समझिए कि जैसे ये सिंपल साधारण से सेंटेंस है, हम खेलने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं, मैं खाना खाने जा रही हूँ, ये सब इसी में आते हैं, जिसमें एक स्टेटमेंट दिया रहता है, एक कथन होता है जिसमें स्वीकारता होती है, कंप्लीट स्टेटमेंट होता है, बस इतना ध्यान रखिए। निषेधात्मक वाक्य से जैसे नाम से समझ आ रहा है, इसमें क्या होता है, जहाँ किसी कथन में नकारात्मक या नेगेटिव का बोध होता है। नेगेटिव में कैसे, कि नहीं का भी बोध हो सकता है, कि मैं पुस्तक पढ़ नहीं पा रही हूँ। ठीक है, देन प्रश्नवाचक, इसमें प्रश्न चिन्ह का प्रयोग होता है, जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसे वाक्य आते हैं जिसमें प्रश्नवाचकता का भाव हो। भाव आप जरूर याद रखना कि भाव जो होना चाहिए, जरूरी नहीं अगर किसी में प्रश्न शब्द प्रयोग किए जाते हैं, जैसे प्रश्न किससे स्टार्ट होता है, क्या क्यों, जरूरी नहीं जहाँ पे ये शब्द प्रयोग हो वो आपका प्रश्नवाचक ही हो, आपका प्रश्नवाचक वाक्य हो, नहीं ये कंफ्यूज कर देता है आपको। जैसे कि भाव जो ऐसा लगे कि आपसे कोई प्रश्न पूछ रहा है, जैसे कि इसमें कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, देखिए इसमें कोई प्रश्न सवाल शब्द नहीं है कि खाए हो, पानी पिए हो, इस तरीके से लोग पूछते हैं, पानी पिए हो, खाना खाए हो, जाओगे,
तो इसमें भाव जो होता है ना वो प्रश्न का निकलता है, लेकिन प्रश्न वाले शब्द प्रयोग नहीं हुए, लेकिन इसी में देखिए आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ एक प्रकार का प्रश्न वाला शब्द है, ठीक है। तो यदि किसी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द दिया गया हो किंतु उसमें प्रश्नवाचकता का भाव ना हो तो वह प्रश्नवाचक नहीं होगा। जैसे कि मैंने बताया कि भाव होना चाहिए प्रश्नवाचक, जैसे कि ये देखिए, यदि आप लोग मेरी बात मानेंगे तो न जाने क्या बन जाएंगे, ये प्रश्न नहीं है। इसमें तो किसी ने अपना स्टेटमेंट दिया है, तो क्या आया है तो जरूरी नहीं जहाँ पे क्या क्यों आए वो आपका प्रश्नवाचक ही हो, ठीक है। जिसमें भाव प्रश्न का हो वो आपका होना चाहिए, ठीक है। आप इससे कंफ्यूज मत होना एग्जाम में। देन हम बात करते हैं विस्मयादिबोधक वाक्य क्या होता है। जहाँ किसी कथन में विस्मयादिबोधक या आश्चर्य शब्द दिया हो अथवा विस्मयादिबोधकता का भाव हो वह विस्मयादिबोधक वाक्य होता है। मतलब विस्मय मतलब क्या, आश्चर्य का बोध होता है। जहाँ पे ऐसे वाक्य ये सेंटेंस पता चल जाते हैं, जैसे लोग रिएक्शन देते, आहा मज़ा आ गया, आहा मज़ा, ओहो, ऐसे सब रिएक्शन देते, अरे क्या बात है, अरे क्या बात है, इस तरीके से सेंटेंस, मतलब वाओ, ये सब नहीं जब हिंदी में हम देते हैं, इंग्लिश में वाओ, ये सारे आपके इसमें आते हैं जिसमें आप आश्चर्य हो जाते हो। देन बात करते हैं आज्ञा सूचक का, मतलब इसमें जहाँ किसी कथन में आदेशात्मक मतलब ऑर्डर दिया जाता है वहाँ आज्ञा सूचक होते हैं, जैसे कि फल मत तोड़ो, घर जाओ, ये लाओ, ऐसे तरीके सेंटेंस होते हैं। फिर इच्छा सूचक वाक्य की बात करें तो इसमें देखिए कि जहाँ किसी कथन में अपनी इच्छा बताई जाए वहाँ इच्छा सूचक वाक्य होती है, मतलब लोग अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं। जैसे कि भगवान करे आप सभी की पास हो जाए, आप सभी इस DL परीक्षा में पास हो जाए, आप सभी UPTET की परीक्षा में पास हो जाए, ऐसा अगर मैं अपनी इच्छा प्रकट कर रही हूँ कि आप सभी टीचर बन जाए तो वहाँ पे इच्छा सूचक होता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं संभाव्यवाची वाक्य, जहाँ किसी कथन में किसी कार्य के होने की संभावना हो या संभाव्यवाची वाक्य होता है, जहाँ संभावना व्यक्त की जाती है कि वह घर चला गया होगा, होगा संभावना व्यक्त की, श्याम अपना कार्य कर लिया होगा, उसके घर जाने से पहले वो घर पहुंच गया होगा, संभावना व्यक्त की जाती है जहाँ पे वहाँ पे ये होता है। या आप श्योर नहीं होते हो, बस आप पॉसिबिलिटी कर बताते हो कि एग्जाम हो सकता है, इस तरीके का जो सेंटेंस है वो आपका आता है। बात करते हैं संकेतवाची वाक्य क्या होता है। देखिए जहाँ एक कथन पर दूसरा कथन निर्भर हो वहाँ संकेतवाची वाक्य होता है, जैसे मम्मी के घर पहुँचते ही वह मैं स्कूल जाऊँगा, मतलब देखिए एक शब्द दूसरे पे निर्भर, एक सेंटेंस दूसरे पे निर्भर है, मतलब दो सेंटेंस है। आप देखिए मैं मम्मी के घर पहुँचते ही स्कूल जाऊँगा, संकेतवाची होता है। तो जहाँ पे जैसे कि अगर आपने मुझे, जैसे मैं कहूँ कि आपने मुझे निमंत्रण दिया होता तो मैं आपके यहाँ जरूर आई होती, इस तरीके से जहाँ एक शब्द सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर निर्भर होता है। देन हम बात करते हैं रचना के अनुसार वाक्य, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे UPTET में क्वेश्चन जरूर आता है। तो इसके आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य जिसे साधारण वाक्य भी कहते हैं, या आप कन्फ्यूज मत होना। संयुक्त वाक्य क्या होता है आपका, जिसे इंग्लिश में कंपाउंड कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंस। मिश्रित वाक्य आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। तो तीन प्रकार के होते हैं रचना के आधार पर या स्ट्रक्चर के बेस में। पहले हम बात करते हैं कि सरल या वाक्य या सिंपल सेंटेंस या साधारण वाक्य क्या होता है। ऐसे नाम से ही पता चल रहा है ये सरल वाक्य है। तो जिस वाक्य में एक उद्देश्य का मतलब क्या, कर्ता, या हम कहते हैं सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट या एक विधेय, मतलब प्रेडिकेट, अगर आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, देखिए सब्जेक्ट के बाद जो चीज़ें आती है वो आपकी प्रेडिकेट हो जाती है, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद जो चीज़ें आती है आपकी वो विधेय हो जाती है, अथवा एक से अधिक उद्देश्य या आपका जो कर्ता है दो भी हो सकते हैं, तो एक विधेय होता है तो वो सरल वाक्य होता है। ये ध्यान दीजिए कि जहाँ पे उद्देश्य दो हो सकता है लेकिन आपका विधेय जो प्रेडिकेट है वो एक ही होगा, एक ही प्रेडिकेट होगा लेकिन विधेय आपका दो, उद्देश्य दो हो सकता है, आप ये ध्यान दीजिए। तो इस वाक्य को हम सरल वाक्य कहते हैं। जैसे मैं खेल रहा था, यहाँ मैं क्या है, आपका एक उद्देश्य है या सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद जो खेल रहा था ये आपका प्रेडिकेट है, तो एक प्रेडिकेट और एक उद्देश्य है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा उदाहरण में देखिए कि सीता अपने मित्रों के साथ स्कूल जा रही है, यहाँ सीता भी एक सब्जेक्ट है, उसके मित्र भी एक उद्देश्य है, या दोनों देखिए दो उद्देश्य हो गया, और स्कूल जा रही है आपका एक विधेय होता है। तो जहाँ पे एक से अधिक
उद्देश्य हो सकता है लेकिन एक विधेय हो या एक प्रेडिकेट हो, वहाँ पे आपका सिंपल सेंटेंस होता है या साधारण सेंटेंस होता है। देन हम संयुक्त वाक्य की बात करें, जिस कथन में एक से अधिक उद्देश्य तथा एक से अधिक विधेय हो वहाँ संयुक्त वाक्य होता है। संयुक्त वाक्य मतलब क्या, जहाँ पे दो वाक्य मिले होते हैं, दो वाक्य आपस में जुड़े होते हैं, दो वाक्य या सिंपल सेंटेंस हो सकते हैं, ये साधारण वाक्य दो मिल के बने होते हैं, लेकिन दोनों जो वाक्य होते हैं ना वो प्रधान होते हैं, उनका अपना अपना एक मीनिंग होता है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होते, यही तो खासियत है इसकी। देखिए मिश्रित वाक्य में क्या होता है कि वो दूसरे वाक्य पे डिपेंड होता है, इसमें जो आपका मुख्य वाक्य होगा वो और उपवाक्य जो होगा, दो वाक्य, एक दो वाक्य होंगे जो आपस में जुड़े होंगे, दोनों अपना अपना एक अलग मीनिंग होगा, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होंगे, अलग अलग मीनिंग देते हैं। तो जिस कथन में एक से अधिक उद्देश्य होते हैं तथा एक से अधिक विधेय हो, हम कह सकते हैं वहाँ संयुक्त वाक्य होता है। जैसे कि उद्देश्य भी दो हो सकते हैं और विधेय जहाँ दो से एक से अधिक, दो से अधिक हो, या एक दो 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 भी हो सकता है। तो मतलब इसमें देखिए उस पहले वाले से अंतर क्या है, इसमें विधेय की संख्या भी बढ़ गई है, जबकि उद्देश्य दो हो सकते हैं और विधेय भी दो हो सकते हैं इसमें। तो जैसे संयुक्त वाक्य में योजक जैसे और ए, तो जैसे मैंने बताया कि इसमें दो वाक्य जुड़ते हैं, वाक्य जुड़ने पर ही तो संयुक्त वाक्य बनता है, तो और एवं तथा या अथवा इसलिए अतः फिर भी नहीं तो किंतु परंतु लेकिन पर आदि संयोजन के लिए प्रयुक्त होते हैं। अगर दो वाक्य आपस में जुड़ेंगे तो ये जो शब्द है ना, ये योजक जो संयोजन वर्ड है, ये सब प्रयुक्त होते हैं। तो आप इसे ध्यान रखिएगा, जहाँ भी ये दो शब्द जुड़े हों और जो दोनों शब्द, जो दोनों वाक्य हों, उनका अपना अपना एक मीनिंग हो, एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते, तो दोनों ही प्रधान होते हैं, दोनों वाक्य ही प्रधान हो जहाँ पे, वहाँ पे संयुक्त वाक्य होगा। और दोनों एक दूसरे से कैसे जुड़े होते हैं, इन योजक शब्दों द्वारा, जैसे कि अथवा इसलिए। जैसे हम समझते हैं एग्जाम्पल से, वह सुबह गया, ये भी एक अपना एक प्रधान है, इस प्रधान वाक्य है, इसका खुद का एक मीनिंग निकल रहा है, इस खुद का भाव निकल रहा है, वह सुबह गया, ये अकेला भी एक निर्भर, किसी पे निर्भर नहीं है। शाम को लौट आया, मतलब मैं कह दूं कि वह शाम को लौट आया, एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, लेकिन ये दोनों सेंटेंस जो एक दूसरे से जुड़े हैं वो और के थ्रू जुड़े हैं, यहाँ और जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से होता है जहाँ पे वो संयुक्त वाक्य होता है। बहुत ही आसान है, आप बस समझिए कि दो जब वाक्य जहाँ पे जो होते हैं या जहाँ पे दो उद्देश्य होते हैं और दो विधेय होते हैं, जैसे उसने बहुत परिश्रम किया, ये अपना एक खुद का मीनिंग है, और ये दूसरा जो उपवाक्य है ये इस पर निर्भर नहीं है, तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि सफलता नहीं मिलेगी, और मैं उसने बहुत परिश्रम किया, ये अलग अलग अपना मीनिंग है इनका, लेकिन ये दोनों किससे जुड़े हैं, एक किंतु से जुड़े हुए हैं। देखिए जैसे मैंने बताया, तो आप इस तरीके से पहचान लीजिए, इन योजक चिन्हों को याद कर लीजिए। राम खेल रहा है और श्याम स्कूल जा रहा है, दोनों अलग अलग कर रहे हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं दोनों वाक्य, तो और जुड़े किससे हैं, और से। अब हम बात करते हैं कि मिश्रित वाक्य क्या होता है। देखिए ये बहुत इससे पूछा जाता है कि आपको वाक्य दे दिया जाएगा, आपको पहचान करना है, इससे जुड़े क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगी ताकि आपको क्लियर हो जाए, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको कराऊंगी, जहां कथन में एक उद्देश्य और उनसे संबंधित कई विधेय हों। देखिए यही डिफरेंस होता है संयुक्त वाक्य में, जहाँ पे संयुक्त वाक्य में क्या था, दो उद्देश्य था, दो विधेय भी हो सकते हैं, एक से अधिक विधेय भी हो सकते हैं, मतलब ज़्यादा थे, लेकिन इसमें क्या है, इसमें एक उद्देश्य तथा उससे जुड़े कई विधेय होते हैं। सिंपल सेंटेंस में उद्देश्य ज्यादा थे, विधेय एक था, इसमें विधेय ज्यादा है, आपके एक उद्देश्य होता है, एक कर्ता होता है, लेकिन प्रेडिकेट कई हो सकते हैं। कैसे, देखिए जैसे कि मेरा मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत जीतेगा, मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत जीतेगा, यहाँ एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पे निर्भर होता है, ठीक है, ये आप ध्यान दीजिए, भारत जीतेगा, मेरा दृढ़ विश्वास है, ये इसके भाव को समझने के लिए हम दोनों को जोड़ रहे हैं तब हमें भाव समझ आ रहा है, लेकिन ये दूसरे पे डिपेंडेंट है, डिपेंड हो रहा है। जैसे कि मैं कहूँ, जैसे ही बरसात हुई, मेंढक बोलने लगे, तो मेंढक का बोलना इस वाक्य पे निर्भर है कि जैसे ही बरसात हुई, ठीक है। अब हम बात करते हैं जैसे और की क्या है, मतलब इसकी बात करते हैं, तो मिश्रित वाक्य में क्या होता है कि दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए, आपस में संयोजन के लिए, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, तब तक, जहाँ, वहाँ, तथापि, यद्यपि, जिधर का प्रयोग किया जाता है,
और एक एक शब्द मान लीजिए, ये दो शब्द है, ये पहला आपका वाक्य है, ये दूसरा वाक्य है, तो इन दोनों ये एक दूसरे पर निर्भर होता है, मतलब एक वाक्य दूसरे पर निर्भर होता है। जैसे कि मैंने बताया कि अगर मेंढक बोलेगा तो कब बोलेगा, जब बरसात होगी, और कैसे, जैसे से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे मिश्रित वाक्य होगा, मतलब एक पर निर्भर हुआ है, दूसरे पर निर्भर होता है, ठीक है। देन हम बात करते हैं प्रयोग के आधार पर, आप योजक चिन्ह याद कर लिए जो मैंने दोनों में बताया है। प्रयोग के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं ये भी पूछा जाता है, तो ये तीन प्रकार के होते हैं, एक तो कर्तवाच, कर्मवाच और भाववाच। क्या होता है कर्तवाच, कर्मवाच, भाववाच, इसको समझते हैं क्या होता है। कर्तवाच से क्या समझ आ रहा है, कर्ता, बस नाम समझिए, बहुत इजी है, इसके नाम से समझिए। कर्तवाच जहाँ पे है, कर्तवाच है जहाँ कथन में कर्ता प्रधान होता है और कथन का भार कर्ता पर पड़ता है, उसे कर्तवाच कहते हैं। मतलब देखिए कि जिस वाक्य में या जिस कथन में जो भी कथन होगा वो कर्ता के बारे में ही होगा, जो भार है कर्ता पर ही होता है, कर्ता के लिए ही जो आपके कथन है उस कर्ता के लिए ही है, तो वहाँ पे आपका कर्तवाच होगा जहाँ पे कर्ता प्रधान होता है। जैसे कि समझिए छात्र पुस्तक पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है कौन, छात्र, तो छात्र आपका प्रधान होता है क्योंकि छात्र ही पुस्तक पढ़ रहा है, तो छात्र पर ज़्यादा भार है तो ये प्रधान है। देन हम बात करते हैं राधा भोजन पका रही है, ठीक है, ये भोजन पका रही है क्या, राधा ही पका रही है, तो राधा पे डिपेंड है, तो राधा प्रधान होगी और राधा ही आपकी, राधा पर ही ये भार है भोजन पकाने का, ठीक है, तो आप इस तरीके से समझिए। मान लीजिए अब हम बात करते हैं कर्मवाच्य की, कर्मवाच्य मतलब नाम से समझ आ रहा है कर्म की प्रधानता होगी, जिस कथन में कर्म पर भार पड़ता है, मतलब कर्म जो है आप जिस कर्म को कर रहे हो, जिस कार्य को, और कर्म ही कथन की मुख्य भूमिका निभाता है, इसमें जस्ट उल्टा होता है, इसमें कर्म पर ज़्यादा भार होता है। जैसे समझिए इसमें क्या होता है कि कर्मवाच्य में प्राय प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से द्वारा शब्द का प्रयोग होता है, जहाँ पे द्वारा शब्द का भी प्रयोग हो वहाँ पे आपका कर्मवाच्य होगा। मतलब एग्जाम्पल से समझिए, छात्रों द्वारा हिंदी पढ़ी जा रही है, हिंदी आपका कर्म है और हिंदी, छात्रों द्वारा हिंदी पढ़ी जा रही है, तो ज़्यादातर आपका भार किस पे है, कर्म पे, हिंदी पे, हिंदी को पढ़ना है। अब इसको हम अगर हम कहें कि कर्तवाच्य में बदलें, कर्तवाच्य में कैसे बदलेंगे कि छात्र हिंदी पढ़ रहे हैं तो छात्र पे ज़्यादा भार हो गया, लेकिन द्वारा जुड़ गया तो आपका क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य। इसी तरह ये देखिए आपको बदलना भी सीख जाना है, इसी के थ्रू कैसे सीख रहे हैं मैं अभी बताती हूँ कि राधा द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, पुस्तक जो है वो पढ़ी जा रही है, कर्म है ये, पुस्तक आपका कर्म हो जाएगा, राधा द्वारा पढ़ी जा रही, तो ज़्यादा भार पुस्तक पढ़ने में ही जा रहा है। अब अगर इसको हम कहें कि इसको कर्तवाच्य में बदले तो कैसे, कि राधा पुस्तक पढ़ रही है, राधा पुस्तक पढ़ रही है। अब इसको अगर हमको कर्मवाच्य में बदलना है कर्तवाच्य को, तो राधा द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, जहाँ पे द्वारा यूज हो जाता है वहाँ पे आपका कर्मवाच्य होता है, ये आप याद कर लीजिए, और जहाँ पे कर्म पर ज़्यादा भार होता है। भाववाच्य का मतलब क्या, तीसरा है, जहाँ कथन पर भार क्रिया पर पड़े, क्रिया, अभी तक हमने कर्त पढ़ा, कर्ता पढ़ा, कर्म पढ़ा, क्रिया क्या, वर्ब आपको पता है, तो जहाँ पे क्रिया पर ज़्यादा भार होता है वहाँ पे आपका भाववाच्य होता है, मतलब कोई भाव निकलता है, और ये क्या होता है आपको बता दूं, नकारात्मक का बोध होता है जिसमें, भाववाच्य प्रायः नकारात्मक होता है, ये ध्यान दीजिए, मतलब नकारात्मक का भी बोध हो वहाँ पे भाववाच्य होगा, और अकर्मक क्रिया से युक्त होता है, अकर्मक और सकर्मक दो होते हैं, अकर्मक मतलब जिसमें कर्म किया जाता है उसे नहीं, जिसमें कर्म किया जाता है उसे सकर्मक कहते हैं, ठीक है, अकर्मक नाम से समझ आ रहा है, जिसमें कोई कर्म नहीं होता वो अकर्मक होता है, तो अकर्मक क्रिया प्रयुक्त होती है जहाँ पे कर्म नहीं किया जाता है और नकारात्मक का बोध होता है, आप इतना ध्यान दीजिए। मुझसे पढ़ा नहीं जाता, नहीं, क्या आपका नकारात्मक का बोध हो रहा है, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, ये आपका नकारात्मक का बोध हो रहा है, तो आप इसमें आप कौन सा आप कहेंगे, इसमें आप भाववाचिस कहेंगे,
ठीक है। अब इसी तरह जिसमें नहीं भी है तब भी लेकिन भाव निकल रहा है, अब चला जाए मतलब आप कोई कर्म करना नहीं चाहते, इसलिए इसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब चला जाए इसमें भी नकारात्मक का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा भाववाच। ठीक है, अब कुछ और भी एग्जाम्पल से मैं आपको बता देती हूँ कि बदलते कैसे हैं इनको। मान लीजिए आपको दे दिया कि राधा पुस्तक पढ़ती है, ये आपका कौन सा वाक्य हो जाएगा? ये आपका कर्तवाच्य हो जाएगा। अब इसको कह देगा एग्जाम में कि इसको कर्मवाच्य में बदलिए, तो कर्म में क्या होता है, कर्म पे ज्यादा भार होता है, तो आप कैसे बदलोगे कि राधा द्वारा पुस्तक, राधा द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, राधा द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, तो आप पुस्तक पे ज्यादा भार आ गया। अब इसी वाक्य को अगर हम मैं कहूँ भाववाच्य में बदलना है तो कैसे कि राधा, अब नकारात्मक में बदलना है, मान लीजिए नहीं, राधा द्वारा पुस्तक नहीं पढ़ी जाती है, मैं कहूँ कि राधा पुस्तक नहीं पढ़ती है, नहीं पढ़ती है, ठीक है। इसको अगर मैं कहूँ कि भाववाच्य में बदलना है कि राधा राधा पुस्तक, राधा द्वारा पुस्तक नहीं पढ़ी जाती है, इस तरीके से आप बना सकते हो। तो आपको ये तीनों में समझ आ गया होगी कर्म, कर्त और भाववाच्य क्या होते हैं, और संयुक्त मिश्रित, और इससे जुड़े हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो आपके यूपी टेट रीट में आए हैं। एंड आई होप आप आज के लिए इतना ही, और आप आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो थैंक यू।